कल हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि ट्राइंगल बनाते थे, तो ट्राइंगल से रिलेटेड हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के मुताबिक भी क्वेश्चन एक करा दिया था, आइसोसेलस ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने करा दिया था, और एक राइट आइसोसेलस या आइसोसेलस राइट ट्राइंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दिया था। तो दो क्वेश्चंस ट्राइंगल के रहते थे, शायद उसमें राइट एंगल ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलस ट्राइंगल, ये वेरीफाई करना था। तो यकीनन वेरीफाई आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। इफ यू आर गिवन 4 पॉइंट्स, अगर आपको P1, P2, P3 और P4 4 पॉइंट्स दे रखे हों, वी आर गिवन P1, P2, P3 एंड P4। इफ यू आर गिवेन 4 पॉइंट्स, इसका मतलब ये पॉइंट्स एक फोर साइडेड क्लोज फिगर बनाएंगे। जनरली इट इज सेड टू बी अ क्वाड्रिलेटरल। हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल के बारे में फर्दर पढ़ना है। तो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल में जो 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ने हैं, उसमें दो तो हैं रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, और दो हैं स्क्वायर एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल फोर साइडेड क्लोज फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होती है, और इत्तफाक से पैरेललोग्राम भी फोर साइडेड क्लोज फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर हो। तो रेक्टेंगल की शक्ल मैंने बना दी, पैरेललोग्राम की भी शक्ल मैंने बना दी। तो रेक्टेंगल फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम इट इज ऑल्सो फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर अनइक्वल। ये डायगोनल्स हो गए, अपोजिट वर्टिसेस को आप ज्वाइन करें, और इन केस ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स की लेंथ अगर इक्वल है तो ये रेक्टेंगल, डायगोनल की लेंथ अगर अनइक्वल है तो फिर ये पैरेललोग्राम। इसका मतलब आप मेमोराइज यूं कर सकते हैं कि इन केस ऑफ रेक्टेंगल पहली बात क्या है, अपोजिट साइड्स
आर इक्वल दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है कि डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी। अगर डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब कि ये रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं है तो फिर ये पैरेललोग्राम। तो दूसरी बात, डायगोनल्स आर इक्वल जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ तो एक दूसरे के बराबर होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब आपको 6 दफा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, तमाम साइड्स फाइंड करेंगे, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और दोनों डायगोनल्स फाइंड करेंगे, दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रेक्टेंगल है, और अगर फर्ज करें अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है मगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर ये रेक्टेंगल नहीं है, फिर ये पैरेललोग्राम। अब आइए मजीद दो ज्योमेट्रीज, तो एक है स्क्वायर और दूसरा है रोम्बस। इन केस ऑफ स्क्वायर all the sides are equal. In case of rhombus, all the sides are equal. Yani दोनों में common बात क्या हो गई कि square में भी तमाम sides की length equal होती है और rhombus में भी तमाम sides की length equal होती है. In case of rhombus, all the sides are equal. चारों साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ रोम्बस चारों साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी, मगर स्क्वायर में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, होनी चाहिए, मगर रोम्बस में जैसा कि शक्ल से आपको नजर आ रहा होगा कि रोम्बस में अपोजिट साइड डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पे भी दो काम आपको करने हैं, 6 दफा डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहली बात, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, और दूसरी बात, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर कोई भी 4-साइडेड क्लोज ट्यूब है, इन दोनों कंडीशंस को ओबे करे तो फिर ये स्क्वायर है। अगर फर्ज करें तमाम साइड्स तो इक्वल हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स
आर अनइक्वल, तो फिर ये ज्योमेट्री कहलाएगी रॉम्बस। तो पहले तो आपने सिंपल डिस्टेंस फाइंड करना सीखा, फिर आपने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो ट्राइंगल, ट्राइंगल की चारों टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। अब फोर पॉइंट्स अगर आपको गिवन हैं, फोर पॉइंट्स के केस में ये वैसे तो बहुत सारी ज्योमेट्रीज बन सकती हैं, लेकिन ये आपने फिलहाल पढ़नी है, तो ये आपको हर वक्त दिमाग में रहना चाहिए। अब आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। Show that -8, -3, -2, -6, 8, 5 and 2, -4 2, -4 are the vertices of a parallelogram. These are the vertices of parallelogram. अब यहाँ परेशानी वाली बात यह है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी साइड है और कौन सा डायगोनल है विदाउट मेकिंग इट्स डायग्राम। इसका मतलब यहाँ पे फिगर बनाना जरूरी होगा। तो आप पहले तो इन पॉइंट्स को कोई नाम दे दे, लेट पी वन इट इज -8, -3, पी टू इट इज इक्वल टू -2, -6, पी थ्री इट इज इक्वल टू 8, 5 एंड पी फोर इट इज इक्वल टू 2, -4। ये पॉइंट्स P1, P2, P3 and P4, अब जब तक आप इसकी शक्ल नहीं बनाएंगे, फिगर नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये साइड कौन सी है और डायगोनल कौन सा है। तो अब फिगर बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑर्डिनरी शीट पे बाय यूजिंग सूटेबल स्केल एक रफ फिगर बना लेंगे। तो अगर वैल्यूज ऐसी ही हैं जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखी, तो हमारे ख्याल में सूटेबल स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अलोंग बोथ द एक्सिस। 1 सेंटीमीटर is equal to 1 along both the axes. फिगर बनाए बगैर काम क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि साइड कौन सी है और डायगोनल कौन सा है। तो P1 -8, -3, -8 -3 ये हो गया P1, P2 -2, -6 तो -2, -6 ये हो गया P2, P3 इट इज 8, 5
8,5. ये हो गया P3 एंड P4 इज 2, -4 तो 2, -4 ये हो गया P4। आपने तमाम पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया बाय यूजिंग अ सुटेबल स्केल। अगर वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो स्केल को रिड्यूस किया जा सकता है, अगर वैल्यूज छोटी हैं तो आप स्केल को बजाय 1 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो आप 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, यानी स्केल वैल्यूज को देख के आपने बनाना। अब इन पॉइंट्स को आप अगर मिला दें तो ये 4-साइडेड क्लोज फिगर आपको मिल गई। अब ये 4-साइडेड क्लोज फिगर आपने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर वाकई ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स की लेंथ को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब P1 P2 की लेंथ और P3 P4 की लेंथ बराबर होनी चाहिए। P1 P4 की लेंथ और P2 P3 की लेंथ को भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो एक डायगोनल हो गया P1 P3, दूसरा डायगोनल हो गया P2 P4, तो ये दोनों डायगोनल्स लेंथ वाइज एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब आप लिखेंगे इफ P1 P2 एंड P3 एंड P4 आर दे वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम देन लेंथ ऑफ P1 P2 इट मस्ट बी इक्वल टू इट्स अपोजिट साइड यानी P3 P4 नंबर वन। नंबर टू लेंथ ऑफ P1 P4 इट मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ P2 P3 एंड डायगोनल P1 P3 इट इज नॉट इक्वल टू द सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल इज P2 P4। तो अब ये वेरीफाई करने के लिए जाहिर सी बात है आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। वन बाय वन ये तमाम डिस्टेंसेस आप फाइंड करेंगे। इस वक्त डिस्टेंस फॉर्मूले की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि अगर मैं कह दूं लेट से कि आप बताइए कि P1 P2 क्या है तो आप मुझे फौरन बता सकते हो पॉइंट्स को देख के इट इज √117। अगर वो स्टेज नहीं आई तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने डिस्टेंस फॉर्मूला तकरीबन जाहिर ही कर दिया। तो अभी भी शायद थोड़ा सा वक्त है कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर कोई बच्चा वीक है तो वो आगे उसकी वीकनेस में इजाफा होता है, उसके इल्म में इजाफा तो नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिस इस स्टेज पे यानी लेक्चर नंबर 6 तक क्या होनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी कि मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई P1 और P4 के दरमियान डिस्टेंस बताइए, बस आप इतनी सी देर लगाएं जितनी देर मैंने लगाई, आप कहें √101। अगर मैं कह दूं P1 P3 किसके बराबर है तो आप कहें √320। अब मैंने कोई रॉकेट साइंस तो इस्तेमाल नहीं की, मैंने भी क्विकली वैल्यूज पुट करके आपको रिजल्ट बताया। बहरहाल देख लें, ये मैं डिस्टेंस फिलहाल तो फाइंड करके आपको दिखा देता हूं। P1 P2 इज इक्वल टू √x2 माइनस
एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, पी वन फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, पी टू सेकेंड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। इसका मतलब पी वन था माइनस एट कॉमा माइनस थ्री, पी टू था माइनस टू कॉमा सिक्स। इसका मतलब माइनस टू माइनस इंटू माइनस एट, तो माइनस टू प्लस एट होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस इंटू माइनस थ्री यानी सिक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स होल स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर। It is equal to square root of 36 plus 81. So 36 plus 81, it is equal to square root of 117 units. ये हो गया distance between P1 and P2. अब आपको find करना चाहिए P3, P4. बल्कि पी थ्री पी फोर फाइंड कर लें। पी थ्री पी फोर इट इज इक्वल टू अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी थ्री इज फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड पी फोर इज सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। तो ये हो गया टू माइनस एट होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस फाइव होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस नाइन होल स्क्वायर। माइनस सिक्स होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 36, माइनस नाइन होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 81। 36 plus 81, it is again square root of 117 units. तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, ये दोनों अपोजिट साइड थी, दोनों की लेंथ एक दूसरे के बराबर प्रूफ हो गई। अब आप फाइंड करें P1 P4 फॉर्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी वन इज फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, पी फोर इज सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। इट इज टू माइनस इंटू माइनस एट होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस इंटू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन होल स्क्वायर प्लस माइनस वन होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस वन एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 101 यूनिट्स। ये हो गई पी वन पी फोर साइड। नाउ फाइंड its opposite side which is P2 P3. So P2 P3 formula remains same. It is equal to X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square. It is equal to square root of P2 is first point X1 Y1, P3 is second X2 Y2. So it becomes 8 माइनस इंटू माइनस टू यानी एट प्लस टू होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस सिक्स होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टेन होल स्क्वायर प्लस माइनस वन होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 minus square is plus 1 square is 1. It is equal to square root of 101 units. So, आपको second segment भी
यानी पी वन पी फोर के अपोजिट साइड पी टू पी थ्री ये भी मालूम हो गई और ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के बराबर। अब आइए तीसरी कंडीशन पे, तो तीसरी कंडीशन के डायगोनल्स बराबर नहीं होने चाहिए, डायगोनल्स बराबर नहीं होने चाहिए, तो फर्स्ट डायगोनल इट इज पी वन पी थ्री, पी वन पी थ्री फर्स्ट डायगोनल इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1 is first point coordinate x1 y1, P2 is second point, P3 is second point coordinate x2 y2. तो ये हो गया 8 minus into minus 8, यानी 8 plus 8 whole square plus 5 minus into minus 3. 5 minus into minus is plus 3 whole square. It is equal to square root of 16 whole square plus 8 whole square, it is equal to square root of 256 plus 64, it is equal to square root of 320. So 320 आप factors अगर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे 16 into 5, 64 into 5, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। यूनिट्स, नाउ फाइंड द सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल इज पी टू पी फोर, तो पी टू पी फोर सेकेंड डायगोनल, अब इसमें फॉर्मूला उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, इट इज एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, पी टू इज फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड पी फोर इज सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, इट इज टू माइनस इन टू माइनस टू, इट इज टू प्लस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस सिक्स होल स्क्वायर, माइनस फोर माइनस सिक्स होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर होल स्क्वायर प्लस माइनस टेन होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन वन हंड्रेड सिक्सटीन प्लस माइनस स्क्वायर इज प्लस टेन स्क्वायर इज हंड्रेड, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन वन सिक्स। इसके फैक्टर्स बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 29 इट बिकम्स 2 इंटू स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स। तो आपके नोटिस में ये बात आनी चाहिए कि ये दोनों डायगोनल्स लेंथ वाइज एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो जब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गए। तो आप लिख देंगे बिकॉज because opposite sides are equal in length but diagonals are unequal, therefore it is proved that p1 p2 p3 and p4 are the vertices of a parallelogram. अब अगर फर्ज करें इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि प्रूफ दैट, ऐसा ही क्वेश्चन होता अब से कहा जाता प्रूफ दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल,
आप काम तो कमोबेश यही करते, फिगर बनाते, 6 दफा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती मगर डायगोनल्स अनइक्वल नहीं होते, डायगोनल्स भी एक दूसरे के बराबर होते। तो अगर कभी रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आ जाए तो अब आप ये काम कर सकते हैं। तो सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज शो दैट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 2, 0, -1। क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट द पॉइंट्स 0, -1, 2, 1, 0, 3 and -2, 1 are the vertices of the square। आपने प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप नाम दे दें, लेट पी वन इज फर्स्ट पॉइंट, पी वन इज इक्वल टू 0, -1। P2 is second point, it is equal to 2, 1. P3 is third point, it is 0, 3. And P4 is fourth point, it is -2, 1. आपने प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस किसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप बनाएंगे फिगर जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, स्केल आप वही स्केल यूज करें, 1 centimeter is equal to 1 along both the axes। अब ड्रॉ करें, P1 is 0, -1, 0, -1, it is P1, P2, it is 2, 1, so 2, 1, it is P2, P3 is 0, 3, ये हो गया P3, P4 is -2, 1, P4 is -2, 1, ये चार पॉइंट्स हो गए। इन चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें तो जो फिगर बन रही है, आपको प्रूव करना है कि ये फिगर एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो तमाम साइड्स की लेंथ को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इफ P1, P2, P3 एंड P4 आर the vertices of a square, then all the sides should be equal, yani length of P1 P2 is equal to length of P2 P3 is equal to length of P3 P4 is equal to length of P1 P4।
यानी तमाम साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल P1 P3, सेकंड डायगोनल P2 P4, इन दोनों को भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। एंड डायगोनल P1 P3 इट मस्ट बी इक्वल टू सेकंड डायगोनल P2 P4। तो अब 6 दफा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज कर लेना चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि P1 P2 क्या आएगा, आप अगर फौरन 2√2 बता सकते हैं, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है। और अगर ये फौरन नहीं बता सकते तो अभी तक आप खुशफहमी का शिकार हैं। अगर मैं पूछ लूँ P1 P3, तो P1 P3 इट इज इक्वल टू 4 units। मैं पूछ लूँ P2 P4 इट इज ऑल्सो 4 units। अगर ये स्टेज है तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है। ये स्टेज नहीं है, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है हर एक में, यानी सिंपल पॉइंट्स में भी कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, सोचने की अदाकारी शुरू हो जाती है। तो फिर बेटा फिर मेरे पास तो इलाज नहीं, इनफैक्ट किसी के पास भी इलाज नहीं है। तो ये आप, आपका दिल चाहे तो कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है कि अगर बिल फर्स ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, ड्रॉ नहीं किया जा सकता हो पॉइंट्स को, तो ऐसी सूरत में फिर क्या करेंगे। अगर पॉइंट्स ही ऐसे हों जिन्हें ड्रॉ नहीं किया जा सकता हो तो फिर क्या करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हजरात व खवातीन लेट ज्वाइन करते हैं तो ये मैं मार्क करता रहता हूँ। जाहिर सी बात है मेरे लिए सिर्फ वही स्टूडेंट सही मानों में ट्रू स्टूडेंट है जो टाइम का ख्याल रखता है। आपकी क्लास अगर 10 बजे है तो आप 10 बजे तक आप क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब ठीक है। आप बाद में आते हैं, इसका मतलब आपकी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है। आपके रजिस्टर्स पूरे होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे 1.5-2 घंटे 3 घंटे जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, बाकी आप 2 हफ्ते बाद जागिएगा तो 2 हफ्ते बाद जागने का आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे तो शायद थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।